बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, गिने चुने लोग बुलाए गए थे, जो ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं, संयुक्त मोर्चा, जितने भी 6 मोर्चे आते हैं उन सबके पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया। और क्यों बुलाया गया था कि चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई और हमारी पार्टी का सिद्धांत है, उद्देश्य है, बूथ जीता चुनाव जीता। तो बूथ पर हम हिंदुस्तान की राजनीति करें और अगर बूथ अपना नहीं जीता पाते हैं तो हम बहुत बड़े सफल होने वाले नहीं। हमारा बूथ कैसे जीते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन राष्ट्र से लेकर के और बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है और मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए। तो 9 साल में जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचे, चौराहे पर बैठकर के चर्चा कैसे हो कि फला सरकार रही तो उसने क्या किया, ये सरकार है तो इसने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जब आप देखेंगे तो घोटाला है, कांग्रेस के नाम हो गए, उन्होंने हवाई जहाज में घोटाला कर दिया, पनडुब्बी में घोटाला कर दिया, कोयला में घोटाला कर दिया, खेल में घोटाला कर दिया, राशन में घोटाला कर दिया। लेकिन हमें बड़ा गर्व की बात है कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के मोदी की सरकार में एक भी कोई दाग नहीं लगा सकता, ये हमारी जो जनहित के कार्य हैं वो पारदर्शिता से और न्यायपूर्ण प्रणाली से लोगों को उसका लाभ मिले, ये चीज़ें हमको घर घर बतानी है। मैं बहुत लंबी चर्चा न करते हुए, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में अभी शेखपुर जाना है, तो आप सबको मैं बधाई देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बारी को राम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।